तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों को? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत होंगे। तो ये मस्जिद में मार्बल का काम हो रहा है, ये चेक कर सकते हैं। मार्बल लगाया है, उसके बाद आप इसकी रगड़ाई हो रही है सारी, तो रगड़ाई वालों से पता करते हैं इसकी रगड़ाई का प्रोसीजर क्या और कहाँ तक काम पहुँचे हमारा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, खैरियत है सर? ये कितनी रगड़ाई आपने कर दी है इसकी अभी तक? ये इस पे मलेमी लगा रहे हैं सर। क्या लगा रहे हैं? मलेमी है। मलेमी? हाँ, कटिंग हो गई है इसके बाद अभी मलेमी क्या रहे है। तो ये कितने हाथ आप इसकी रगड़ाई करते हैं? इसकी 9 हाथ। 9 हाथ? कौन कौन सी भट्टी इस पे इस्तेमाल करते हैं हमारे व्यूवर्स को बता दें। ये जो पित्तल की है ना, ये कटाई वाली भट्टी है। ये पित्तल की भट्टी है जो कटाई वाली है, सेकेंड नंबर पे? नहीं, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट पे ये, सेकेंड कौन सी है? ये सेकेंड है। ये कौन सी है? ये ब्रीक भट्टी, जो इसकी खराशें होती है उनको ब्रीक कर देती है। तो ये खराशों को क्लियर करने वाली भट्टी T1 है। T1? T1 ठीक है। ये सेकंड होगी, ये इसका T2 नाम है, तीसरे नंबर पे आती है। ये तीसरे नंबर पे है और T2 इसका नाम है। ये चेक कर सकते हैं जिन भाइयों को नहीं पता भट्टी के बारे में, ये यूनाइटेड की भट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनाइटेड ठीक है। तो इसके बाद ये पैड चलता है, चौथे नंबर पे बता रहे हैं कि ये पैड चलता है। ये किस काम आता है? ये मलेमी में काम आता है। ये किस तरह है? इस तरह यूज़ करते हैं इसको? हाँ, इस तरह नीचे लगा कर इसी तरह यूज़ करते हैं मशीन। ठीक है, चौथे नंबर पे ये इस्तेमाल करते हैं। फिर ये वाला पैड, ये भी मलेमी। तीन पट्टियाँ मलेमी की होती हैं, तीन पट्टियाँ मलेमी की, और ये जो सा है ये भी ये मलेमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद आपका कौन सा है? उसके बाद ये वाला, ये भी मलेमी में इस्तेमाल। इसका क्या नंबर है? और ये भी मुलायम करने के लिए 400? हाँ, इसका ये भी पैडों में आता है, इनको पैड बोलते हैं। ये भी पैड में आता है, 400 इस पैड का नंबर है। ये भी मुलायमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो और इसके बाद रिंगमाल आते हैं जो चमक निकालते हैं फ्रिज से। रिंगमाल चमक के लिए, वो तोड़ के लगाते हैं। भट्टी होती है ना, इस तरह उनको तोड़ के लगाते हैं। ठीक है, तो भाई बता रहे हैं किस तरह की भट्टी होती है, उसे तोड़ के तो ये इस्तेमाल करते हैं। आपको चेक कराते हैं। निकलती है एक ये वाला तोड़ा, इस तरह ये लगता है इसके बाद, ये देख सकते हैं। तो ये लगाने का तरीका क्या है, ये भी हमें बताएंगे आप किस तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें नीचे रख के ये लगा के दिखाएं ज़रा इसमें। अच्छा, तो बेल्ट के अंदर ये आप इस तरह अंदर रख के बेल्ट को मुकम्मल बिल्कुल पूरा भर के फिर ऊपर ये फॉर्म रखें। ठीक है, इसके बीच में फिर मशीन चलती है? हाँ, इसके ऊपर मशीन चलती है। सही। इसके बाद फिर ये 800 होता है ना, ये भी चमक के लिए होता है। ये भी 800 नंबर का बता रहे हैं भट्टी है। ठीक है, तो ये भी चमक के लिए। तो इंशाल्लाह फाइनल व्यू आपको इसका हम चेक कराएंगे। ठीक है, और किसी भी भाई ने अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में, सबसे ऊपर वाली ये है येलो, इसका नाम येलो है। येलो? येलो ये फाइनल भट्टी है इनकी। ठीक है, इसका नाम येलो है। ठीक है, फिनिश पर जिस टाइम काम हो जाता है तो उस टाइम ये मारते हैं, चमक ये निकालती है बिल्कुल, चमक ये निकालती है बिल्कुल, एवान इससे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, फाइनल व्यू इंशाल्लाह आपको इसका चेक कराएंगे। अभी ये बार बार इस मार्बल की रगड़ाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है सर? क्या लगा रही हैं मशीन? हटा के चेक कराएँ, कौन सी भट्टी है ये सर? 3 नंबर भट्टी। 3 नंबर? जी सर। चेक कराएँ हमारे व्यूअर्स को ज़रा, ये मुलायमी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? जी सर, ये मुलायमी। ठीक हो गया, तो ये देख सकते हैं 3 नंबर भट्टी अभी इस पर चला रहे हैं। जब ये फाइनल हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल वीडियो इसकी चेक करेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर किसी भी भाई ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में रगड़ाई वगैरह का काम करवाना हो, मार्बल का, चिप्स का, ठीक है, तो इन भाई से रब्ता कर सकते हैं। भाई अपना फ़ोन नंबर बता दें। 0348 0348 86 64 100। ठीक है, तो ये इनका फ़ोन नंबर है। ठीक है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा काम करते हैं, मस्जिद का काम हो रहा है, चेक कर सकते हैं। और ये सामने न्यू पत्राटा कैंटीनेटर के नाम से न्यू मरी में पत्राटा में ये होटल है। ठीक है, तो इसका भी सारा काम ये कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर चिप्स की रगड़ाई होगी, वो भी इंशाल्लाह वीडियोज़ आपको चेक कराएंगे। बहुत शुक्रिया भाई, जजाक।